हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो BGMI 2.8 न्यू अपडेट आ चुका है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आप BGMI 2.8 की जो टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे यूज़ कर सकते हो। और अगर भाई किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट है एरोलिथ लैब, जो राउंडवुड सर्कल में वो है एरोलिथ लैब, यहाँ पे आपको उतर जाना है। तो हम उतरेंगे, तो हम उतरते हैं एरोलिथ लैब में। तो माहौल चेंज हो जाएगा क्योंकि ज़ोंबीज मोड है। जैसे मैं एंटर होऊंगा तो मुझे मिलेगा रिसोन कार्ड, आप सभी को भी मिलेगा, स्क्वाड में खेलो चाहे कैसे भी खेलो। वो वाला कार्ड जब आपका प्लेयर मरता है तो अपने आप वापस आ जाता है गेम के अंदर। और यहाँ पे आपको बहुत सारी लूट मिलेगी, कोई चिंता की बात नहीं होगी वेपन्स ढूंढने में। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा मॉन्स्टर मिलेगा, ये वाला। इस मॉन्स्टर को अगर आप मारोगे, बस हाँ एनिमीज का ध्यान रखना, इसे मारने के बाद आपको बहुत सारी लूट मिलेगी, 3 लेवल वाले आइटम मिलेंगे, बस इसे मार देना, बस ध्यान रखना एनिमीज का। अब चलते हैं आउटपोस्ट एरिया पे, जो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ येलो येलो सर्कल में जो 3 जगह, यहाँ पे उतरना है, ये है आउटपोस्ट एरिया। तो मैं उतरता हूँ फटाफट से, यहाँ पे भी माहौल चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको रिसोन कार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एरोलिथ लैब में मिलेगा वो रिसोन कार्ड। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी लूट मिलेगी, बस एनिमीज का ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने मॉन्स्टर पे, रिपर, ये है रिपर। तो इसको मारने के लिए आपको क्या करना है, ये सबसे तेज भागता है, इस बस आपको क्या करना है, इसके सर पे मारना है, आपको अटैक करना है। और ये भी आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आएगा, बहुत तेज़ी से आपके ऊपर जंप भी करेगा, तो आपको इसके सर पे मारना है। और हाँ, भागते रहना है आपको, अगर आप एक जगह पे रुके तो या आपको अपने पंजों से मार देगा या फिर आपकी पावर कम कर देगा। तो मैं इसे फटाफट से मार देता हूँ, इसके सर पे मारेंगे। और ये मैंने रिपर को मार दिया है, और इसके मारने के बाद आपको लूट मिलेगी। और यहीं पे आपको आउटपोस्ट एरिया में जब एक मारोगे आप मॉन्स्टर तो दूसरा आ जाएगा, इसका नाम है बर्सरकर मॉन्स्टर। तो आप इसको भी आपको सर पे मारना, बस हाँ ये थोड़ा धीरे भागता है। और जो इसके हाथ में जो आर्म गार्ड है, इस पे भी आप मारोगे तो इसकी पावर उससे भी जल्दी जाएगी, बस और सिर पे तो मारोगे तब भी जल्दी जाएगी। तो मैंने 2 मॉन्स्टर को मार दिया है, और मैं अब यहाँ से लूट उठाता हूँ। और इसके अंदर से आपको मिलेगा म्यूटेशन गॉन्टलेट और म्यूटेशन ब्लेड। ये आउटपोस्ट एरिया के जो मॉन्स्टर है या फिर एरोलिथ लैब का जो ये बड़ा मॉन्स्टर है, जब आप इसे मारोगे तो यहाँ पे जब ये एरोलिथ लैब का जो ये मॉन्स्टर है बर्सरकर, ये आपको मरने के बाद बहुत सारे लूट देगा, म्यूटेशन ब्लेड, म्यूटेशन गॉन्टलेट, और यहाँ पे 3 लेवल वाले वेपन्स भी आपको मिलेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ म्यूटेशन ब्लेड और म्यूटेशन गॉन्टलेट। तो ऐसे देखते हैं म्यूटेशन गॉन्टलेट और म्यूटेशन ब्लेड। तो ध्यान रखिएगा, या तो एरोलिथ लैब में मिल जाएंगे आराम से, या फिर आउटपोस्ट में, या फिर मॉन्स्टर मारने के बाद। आप अब इन म्यूटेशन ब्लेड का कैसे यूज़ करना है, तो जो ये सर्कल में दिख रहा है आपको ये वाला ऑप्शन, इस पे दबाना है, और जिस दिशा में आपको अपने प्लेयर को तेज़ी से ले जाना है उस दिशा में। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, ऊपर मैंने एरो किया और बूम करके मैं इस टावर पर चढ़ गया, एरोलिथ लैब के टावर पर। और यहाँ से आप छुप के आराम से अपने एनिमीज को चकमा दे के उन्हें मार सकते हो। तो यहाँ पर मुझे एनिमी डिटेक्ट हुआ तो मैंने इसे मार दिया। दोबारा से दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको जाना उस तरफ एरो करना है, और बूम करके आपका प्लेयर आसमान में चढ़ जाएगा। पर उस ऑप्शन को जरूर दबाना है जिस पे मैंने सर्कल बना रखा है। म्यूटेशन ब्लेड का आप इस्तेमाल तलवार की तरह भी कर सकते हो, एनिमीज को मारने के लिए या फिर ज़ोंबीज को मारने के लिए। इस ऑप्शन पे दबाना है, और आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो एनिमीज और ज़ोंबीज को मारने के लिए। अब मैं जैसे एनिमीज मिलता है तो उसे भी आप ऐसे ही मार सकते हो इस म्यूटेशन ब्लेड से। इस ऑप्शन पे दबाना है, और एरो एनिमी की तरफ करके बूम करके ये ब्लेड उस एनिमी को भी मार देगा। अब चलते हैं अपने म्यूटेशन गॉन्टलेट पे, और इसका यूज़ कैसे करना है, गॉन्टलेट पे दबाना है, और इस ऑप्शन पे दबा के आपका प्लेयर हवा में उड़ेगा। जैसे ही उड़ेगा तो ये सर्कल के बीच में आपको एनिमी को लाना है, और बूम करके आप उस एनिमी को मार दोगे इस मैस्ट से। अब दोबारा से मैं किसी एनिमी को मारता हूँ तो वो सर्कल के थोड़ा बीच में नहीं होगा, तो वो मरेगा नहीं, तो वो उछल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन पर दबा के आप इसे मुक्कों से भी मार सकते हो, और ऐसे ही आप ज़ोंबीज को भी मार सकते हो इन गॉन्टलेट के मुक्कों से। पर ध्यान रखिएगा, बड़े मॉन्स्टर नहीं मरेंगे इन मुक्कों से। तो ध्यान, अब चलते हैं ज़ोंबी डांस मोड। तो इसमें क्या करना है, आपको ये डांस करने के लिए आपको आना पड़ेगा आउटपोस्ट का जो एरिया मैंने आपको बताया था मैप में, 3 जगह इरेंगल में। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो ये ऑप्शन दिखेगा डांस का, इस पे आपको दबा देना है, और फिर आपका प्लेयर भी इन ज़ोंबीज़ के साथ डांस करेगा उसी धुन पे, और उन्हीं की तरह करेगा आपका प्लेयर भी डांस, ज़ोंबी डांस शो। मतलब ध्यान करना भाई, डांस करते करते एनिमीज़ को मत भूल जाना, क्योंकि एनिमीज़ भाई कोने कोने में छुपे होते हैं, सभी को पता होगा। और ये जगह आउटपोस्ट का जो एरिया के कोने पे कंटेनर होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगी, बस आपको डांस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका प्लेयर भी इनके साथ डांस करने लगेगा।
अब चलते हैं अगले टिप पे। अब चलते हैं अगले टिप पे, वो है मैगलेव हावर बोर्ड। ये आपको एरोलिथ लैब और आउटपोस्ट के एरिया में मिल जाएगी, और इसको चलाते वक्त आप इसकी स्पीड होगी 90 से 92 किलोमीटर। और आप इसको चलाते वक्त जंप का ऑप्शन दबा के आप छोटे घरों की छत पे भी चढ़ सकते हो। और इसका एक और फ़ायदा है, ये बोर्ड आपकी पानी में भी तैरेगी, चाहे ज़मीन पे हो या पानी में, अच्छे से यूज़ करना इसका। और अगर आपको ये वीडियो जो टिप्स एंड ट्रिक्स की जो BGMI 2.8 न्यू अपडेट की अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।